अस्तु, ये भोक्ता ब्रह्म है, यानी हम लोग। हमारा भोग्य क्या है? माया, संसार। भोग्य है? अरे हम खुद ही भोग्य है माया के। नहीं नहीं, भोग्य संसार है। देखो, एक आदमी आदमियों से स्वार्थ सिद्ध करता है, पशुओं से भी करता है, अरे शेर तक को भी कब्जे में करके रुपया कमाता है सर्कस में। अरे वो बिचारी गाय देख रही है मेरे बच्चे को पकड़ लिया और दूध दो रहा है स्वार्थी मनुष्य। वो बेचारा प्यासा भूखा बंध गया अलग और देख रहा है मम्मी को, क्या करूं मजबूर हूं इस मनुष्य से। अरे भूसा खा, दूध हम पिएंगे। ये संसार भोग्य है, लेकिन ध्यान दो, प्रारब्ध के अनुसार ही भोग्य है। एक बहुत बड़ा भोग्य है इस संसार का भोगता है, एक थोड़ा भोगता है। जिसने प्रारब्ध में बहुत दान किया है वो इस जन्म में बड़ा धनी होकर आया है, वो बहुत बड़ा भोगता है, खरबपति है, रोज गाड़ियां बदलता है। हमारी इंडिया में एक महाशय थे, उनका कपड़ा पेरिस धुलने को जाया करता था। पेरिस, वो पंडित नेहरू के पिताजी थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। हाँ, ये भी कितनी बड़ी बीमारी है। अरे पैसा है जी, किसी को एक टपरिया नहीं नसीब है, फुटपाथ पे सो रहा है, और कोई 80 अरब का मकान बनवा रहा है। ये पूर्व जन्म के हमारे पुण्य के अनुसार भोग्य संसार मिलता है, तो वो माया का संसार है, वो दूसरा तत्व है। और तीसरा है प्रेरक, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा आदि नाम है। ये तीन तत्व सनातन तत्व हैं। अब प्रश्न है कि मैं तो जीव हूं, ठीक है, और जीव क्या है ये सब आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। जीव अणु है, जीव उस अणु होकर हृदय में रहता है, सारे शरीर में व्याप्त रहता है। वो जीव दृष्टा है, स्पृष्टा है, श्रोता है, ग्राता है, मनता है, बोधा है, करता है, विज्ञानात्मा है और अनंत है। शंकराचार्य कहते हैं नहीं जी, एक ब्रह्म है, वही सब में है, जीव कुछ नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। उनसे पूछना, अरे अब तो है नहीं, क्या पूछोगे नहीं तो उनसे पूछते कि क्यों जी, जब एक ही जीव है, वही सब में है ब्रह्म, उसी को जीव कहते हैं हम लोग अज्ञान के कारण। तो वो जब ब्रह्म अज्ञान युक्त है,
जब ज्ञान युक्त हो जाएगा तुम्हारी बताई साधना से, तो ब्रह्म हो जाएगा। जब ब्रह्म हो जाएगा तो सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे। अटक गए शंकराचार्य। अगर सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे, सबका अज्ञान चला जाएगा, तो फिर शंकराचार्य से पूछा जाएगा, तुम्हारा अज्ञान चला गया तो तुम ब्रह्म हो गए, तो हम भी ब्रह्म हो गए। तुम कहाँ हो गए, तुम्हारा तो अज्ञान है अभी। ये तो एक ही तो ब्रह्म है सब में, तो आप कहना पड़ेगा उस अद्वैती को कि किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं अभी तक, तो फिर ये वेद का उपदेश क्यों है? तुम वेद को तो मानते हो, तो वेद में तो लिखा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत् तमेव विदित्वाति मृत्युमे रसज्ञम् एवायम् लब्धानन्दी भवत्। जाने दीजिए ये सब। जगतगुरु शंकराचार्य को तो श्री कृष्ण की आज्ञा थी, स्वागमैः कल्पितैस्त्वञ्च जनान मद्विमुखान कुरु। पद्म पुराण 71:107, लोगों को मेरा स्वरूप न बताओ, अपने ऐणे बैणे तर्क से स्वागमयी कल्पितई, अपनी कल्पना से वेद के तर्क को न देना, नहीं तो नहीं सिद्ध कर सकोगे कि ब्रह्म साकार होता ही नहीं है और एक ही ब्रह्म है, संसार भी नहीं है। तो मैं जीव हूं तो दो बच्चे, एक ब्रह्म हमारा अंशी, हमारा प्रेरक, हमारा शक्तिमान, और एक माया। तो मैं तो मालूम हो गया कि मैं जीव हूं, लेकिन मेरा कौन है? इन दोनों में कोई मेरा होगा, तीसरा तो कोई है ही नहीं। या तो भगवान मेरा होगा, या तो संसार मेरा होगा। ये क्या जरूरत है इस झगड़े में पड़ने की, कौन मेरा है, होगा जो होगा मेरा। अरे वो झगड़े की जरूरत है समझो, तुम कुछ चीज चाहते हो, उसके लिए परेशान हो, प्रतिक्षण प्रयत्नशील हो। हाँ, क्या चाहते हो? एक चींटी से ब्रह्मा तक सब से पूछाओ तो सबका एक उत्तर होगा, हम आनंद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो सारा कर्म आनंद के लिए कर रहे हो ना? हाँ, बिना कारण के तो कार्य नहीं होता। कारणेन बिना कार्यम नो देति, वेद कह रहा है। त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद 8:1, कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। योग शिखोपनिषद 1:37, प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, मूर्ख भी बिना उद्देश्य के, प्रयोजन के, कारण के कार्य नहीं करता। तो तुम्हारा कारण उद्देश्य आनंद है ना, इसलिए जानना आवश्यक है कि वो तुम्हारा आनंद कहाँ है,
उधर है कि इधर है, ब्रह्म में है कि माया में है, बस सीधी सी बात है। वेद आया, उसने कहा मैं बताऊं, अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस साधु भवति हीयते अर्थात या उप्रेयो वृणीते। दो है ना? हाँ जी, एक भगवान और एक संसार। आनंद कहाँ है ये उत्तर चाहिए। ये उत्तर अभी तक मिले ही नहीं, अनंत जन्म बीत गए। हाँ, अगर मिला भी तो हमने माना नहीं, अगर माना भी तो थ्योरेटिकल। तो वेद ने कहा देखो जी, वो ही तो है, एक भगवान एक माया। तो जो भगवान की ओर जाए वो श्रेय मार्ग है, कल्याण मार्ग है, यानी वो दिव्यानंद देगा। और जो प्रेय की ओर जाए, माया की ओर जाए, संसार की ओर जाए, वो हीयते अर्थात वो आनंद के स्थान पर दुख पाएगा। तो आपको क्या चाहिए? हाँ जी, हम सब लोग जानते हैं हमारी इंडिया में तो मरने के बाद गधा भी बोलता है राम नाम सत्य है, और दूसरा वाला असत्य है। दूसरा कौन? वही संसार, यानी ये शरीर जो मैं ले जा रहा हूं श्मशान घाट, ये असत्य है, मिथ्या है, नश्वर है। और जो चला गया वो जीव तत्व, वो नित्य है। तो आनंद चाहिए, इस कारण हम प्रतिक्षण उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वेद की बात मैंने नहीं मानी कि भगवान की ओर आनंद है। क्यों? इसलिए कि तुम भगवान के अंश हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। जिसका जो अंश होता है उसको नेचुरल प्यार करता है, नेचुरल। मैंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि जैसे मिट्टी का ढेला पृथ्वी से प्यार करता है, ऐसे हम लोग भी भगवान से नित्य प्यार करते हैं, क्योंकि वो आनंद है। ध्यान से सुनिए, वेद कहता है आनंदमक्षरम साक्षात जावाली दर्शनोपनिषद चार 62 आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात तैतरीयोपनिषद 3-6 रसो वैसह तैतरीयोपनिषद 2-7 तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमया दन्योंतर आत्मा आनंदमय तैतरीयोपनिषद 2-5 ओ हेवान्यात् क्रह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्
तैत्तरीयोपनिषद 2:7 रसम लब्ध्वा सुखी भवति कठरुद्रोपनिषद विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28 विज्ञानमानंदम ब्रह्म महोपनिषद 2:9 एष रसतमः परमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3 इस सब वेद मंत्र कह रहे हैं और फिर आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कदाचन तैत्तरीयोपनिषद 2:4 दूसरी जगह भी है ये मंत्र 2:9 तीसरी जगह भी है ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद चौथी जगह भी है ये मंत्र सांडिल्योपनिषद 2:1 पांचवी जगह भी है ये मंत्र सर्वोपनिषद 20 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो भगवान आनंद है तुमको आनंद चाहिए तो उसको पालो भागवत ने भी कहा हमारी भी सुन लो आनंद मात्र मविकल्प मविद्ध वर्चा 3:9-3 वो आनंद है आनंद मूर्ति मजहा दति दीर्घ तापम उपजा ने आनंद का आलिंगन किया भगवान नहीं कहा सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि उपनिषद दृशाम 10:13-54 वो आनंद है केवलानुभवानंद स्वरूप सर्व बुद्धि दृक 10:3-13 वो आनंद है उसमें आनंद है ये तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान शब्द बहुत पॉपुलर है तो ऐसे साधारण जीव समझ लेंगे जैसे कहते हैं समुद्र में खारा पानी है तो क्या समुद्र कोई बर्तन है उसमें खारा पानी है समुद्र माने क्या अम्बुनिधि कहते हैं उसको बहुत बड़ा पानी सबसे बड़ा पानी जहां हो अम्बोधि जलधि बारिधि वो समुद्र है अब आप कहते हैं पानी की बड़ी निधि में पानी है अरे ये भी कोई वाक्य हुआ लेकिन समझाने के लिए बोलते हैं कि समुद्र में आसमान में तारे हैं आसमान कोई चद्दर है क्या आसमान आसमान तो आप यहां आप लोग बैठे हैं ये भी आसमान है कहां तारे हैं इसमें ये समझाने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि भगवान में आनंद है राधे
जाने वारी नंद नंदन सुख घन बनवारी राधे परसाने वारी नंद नंदन नंदन सुख घन बनवारी राधे बरसाने वारी नंदन सुख घन बनवारी